हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है दक्षिणाई क्लासरूम पर आपका। मैं क्विज वन के सॉल्यूशन के साथ फिर से प्रदीप सिंह आपके साथ हूं। आइए देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन थे साइन थीटा, कॉस थीटा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, नन। बेटा पाई माइनस थीटा, पाई इधर हो गया, थीटा वापस आ गए, तो ये वाला एंगल है पाई माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या है प्यारे बच्चों? पाई माइनस थीटा। और बेटा ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, साइन पाई माइनस थीटा, अगर मैं थीटा पाई आगे गया, थीटा पीछे आ गया, तो आगे कितना आ गया प्यारे बच्चों? पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो पाई आगे गया, थीटा पीछे आ गया। देखो यहां जो ऊंचाई आएगी, यहां जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, थीटा पे भी वाई कोऑर्डिनेट वही आएगा, दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। लेकिन पाई से बेटा थीटा आगे गया, जो सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? साइन थीटा, दैट इज ऑप्शन ए। दूसरे क्वेश्चन का साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई के बाद बेटा थीटा आगे गए, तो बेटा क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा प्यारे बच्चों, और उतना ही नेगेटिव आएगा जितना थीटा पे पॉजिटिव आएगा, दैट इज साइन पाई प्लस थीटा विल बी नेगेटिव साइन थीटा, विल बी नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, साइन ऑफ टू पाई माइनस थीटा, इसका मतलब बेटा पहले हम टू पाई गए आगे, वापस थीटा पीछे आ गए, ये हो गया साइन ऑफ टू पाई माइनस थीटा। दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, नीचे को नेगेटिव होता है, ऊपर को पॉजिटिव होता है। टू पाई आगे गया, थीटा पीछे आ गया, तो ये वाला एंगल जो है ना बेटा, ये वाला एंगल, ये है टू पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो बेटा साइन टू पाई माइनस थीटा भी आएगा सेम, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा जीरो कब कब होगा? अब बेटा साइन थीटा मेरे से जीरो पूछा, थीटा जीरो हो, 90 हो, बेटा 180 हो, 360 हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, साइन थीटा था वाई कोऑर्डिनेट, जो जीरो होगा जीरो डिग्री पे, फिर होगा 180 डिग्री पे, फिर होगा 360 डिग्री पे। तो 90 पे तो वन होगा, जीरो, 180, 360, मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही लेक्चर में बताया था कि बेटा साइन थीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट है, और वो जीरो कब होगा प्यारे बच्चों? जब एंगल जीरो होगा तो ऊंचाई जीरो होगी, 180 पे फिर से जीरो होगी, 360 पे फिर से जीरो होगी। तो बेटा इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे? वैसे इसका आंसर होता था एन पाई रेडियन में बात करूं, नहीं तो मैं कह सकता हूं 180 डिग्री इंटू एन। एन जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन इज एन इंटीजर। तो साइन थीटा इज जीरो एट एन पाई। साइन थीटा बेटा जीरो कब होता है? एन पाई पर जीरो होता है साइन थीटा। अब बेटा साइन थीटा वन पूछ रहे हैं, ऑप्शन मेरे को दे रहे हैं पाई, पाई बाय टू, पाई बाय फोर, जीरो। साइन थीटा वन बेटा, ऊंचाई वन कब होती है? पाई बाय टू पे। कब होती है प्यारे बच्चों? वन पे। मतलब वन कब होती है ऊंचाई? पाई बाय टू पे। पाई पे तो जीरो हो गई बेटा, जीरो, पाई, पाई बाय टू, पाई बाय फोर, यही ऑप्शन है। पाई बाय फोर पे तो वन नहीं है, पाई बाय फोर मतलब 45, पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई बाय फोर रेडियन 45 डिग्री, पाई रेडियन 180, पाई बाय 290, उसका भी आधा, आधे का आधा पाई बाय 4। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा 1 कब आएगा? पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 एट पाई बाय 2 है ना रेडियन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा हाफ, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, पूछ रहे हैं एन पाई माइनस पाई बाय 3 पे, एन पाई प्लस पाई बाय 3 पे, 2n पाई माइनस पाई बाय 6 पे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6। बेटा ये तो मैं आपको सिखा ही चुका था अभी लेक्चर में ही, कि बेटा ये तो इसमें माइनस 1 की पावर n, याद है ना हमने तपस्या करी थी, भगवान प्रकट हुए, बताए माइनस 1 की पावर n में एक जादुई शक्ति है, इवन के साथ पॉजिटिव होता है, ऑड के साथ नेगेटिव होता है। तो बेटा देखो पाई बाय 6 पे वैल्यू हाफ आती है, ये तो मैं जानता ही हूं, है ना। दूसरी बार कब आती है प्यारे बच्चों हाफ? पाई बाय 6 पे हाफ आती है। दूसरी बार हाफ कब आएगी? पाई माइनस पाई बाय 6 पे। तीसरी बार कब आएगी? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे। फिर 3 पाई माइनस पाई बाय 6 पे। मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, पाई बाय 6 पे हाफ, 2 पाई, पाई बाय 6 पे हाफ, पाई यहां पे है, 2 पाई यहां पे, पाई माइनस पाई बाय 6 पे हाफ आएगी, पाई प्लस पाई बाय 6 पे नेगेटिव ऑफ हाफ आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बेटा यहां पर क्या आंसर आएगा बेटा? पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस पाई बाय 6। तो बेटा मैंने आपको बताया था एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाय 6, जनरलाइज करने का ये तरीका था, विच इज एन ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद पूछे साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ होती है, फिर पूछे साइन 5 पाई बाय 6, वो हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। अब बेटा पाई माइनस पाई बाय 6,
बेटा जो पाई बाय सिक्स पे वैल्यू आएगी वही तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स पे भी आएगी, सेम वैल्यू। तो ये भी इसका भी आंसर क्या आएगा, हाफ। दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सेवंथ का ऑप्शन हो जाएगा बी और एट्थ का ऑप्शन भी हो जाएगा बी। ठीक है, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। बेटा साइन 10, साइन 20, साइन 30, साइन 40, सॉरी यहां पे साइन 50 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी वही मिस्टेक हुई है, चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा अब मेरे से पूछा गया कौन सा इनमें मैक्सिमम है। बेटा साइन थीटा जो होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है बढ़ता है, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट होता है बढ़ता है, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट होता है बढ़ता है ना। तो बेटा ये इनमें से मैक्सिमम कौन सा होगा बताइए जरा फटाफट से। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा बढ़ता है इसलिए डी ऑप्शन मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है बेटा कौन सा मैक्सिमम है इन सब में से। बेटा देखो वैसे तो देखो आप जानते हो कि कॉस 0 1 होता है। कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा मैं आपको बता देता हूं। बेटा 0 पे वैल्यू होती है 1 है ना, कॉस 0 होता है 1 है ना, और 60 पे होती है हाफ, 90 पे होती है 0। आप लगातार देख सकते हैं घटती है। तो बेटा अगर घटती है तो 10 पे ज्यादा आएगी, 20 पे कम आएगी, 40 पे कम आएगी, 50 पे और कम, इसलिए आंसर ये होना चाहिए है ना। लेकिन अगर कॉस अभी हमने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है तो बेटा कॉस को घटते हुए हम अच्छे से अभी जानते नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। लेकिन बेटा कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हमने 10th में ही सीख लिया था। कॉस 10 दैट इज ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, 10 को कह सकता हूं 90 माइनस 80, कह सकता हूं या नहीं कह सकता बताइए, बिल्कुल आराम से कह सकता हूं। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 80। अच्छा ये क्या है, 90 माइनस 70, कॉस ऑफ 20 को मैं कह दूंगा 90 माइनस 70, ये क्या हो जाएगा बेटा साइन 70। सी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली 90 माइनस 50 साइन 50। डी ऑप्शन 90 माइनस 40 साइन 40। अब बेटा बताइए मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, मैक्सिमम वैल्यू बेटा साइन तो बेटा हमको पता है 0 से 90 में बढ़ता है, वाई कोऑर्डिनेट ऊंचाई बढ़ती है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन 80 होगी, दैट इज ऑप्शन ए। थैंक यू, लेक्चर 2 आप देखिए उसकी भी क्विज अटेंड करिए।